देखिए भाई, जितने भी लोग पहले बोल रहे थे कि भैया राजामौली आलिया भट्ट की कंट्रोवर्सी के कारण बॉलीवुड से गुस्सा हो गए, इसलिए महाभारत के कास्ट में चेंज कर रहे, बॉलीवुड को टोटली निकाल फेंक देंगे, तो भाई ये सारी चीजें फेक है। मगर कास्ट में जरूर चेंज हुआ है, बट ये मोहतरमा रीजन नहीं है। देखिए मिस्टर एसएस राजामौली अपनी लाइफ की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं, जिसका नाम है महाभारत। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आपको बता दें, राजामौली इस फिल्म पर काफी समय से काम कर रहे हैं, जिसमें आपको साउथ से भी और बॉलीवुड से भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और मैं आपको फिल्म का मेन कास्ट के बारे में बता देता हूँ। ऋतिक रोशन करण का किरदार करने वाले, आमिर खान क्रिस हेवान का रोल कर रहे और अपने प्रभास भीम का किरदार करते हुए नजर आने वाले, और फरहान अख्तर अर्जुन का रोल करेंगे और शाहिद कपूर शायद अभिमन्यु का किरदार करेंगे, या सौर्य राय बच्चन गंगा किरदार कर रही है और अमिताभ बच्चन वजनदार भीष्म का किरदार में नजर आएंगे, और दीपिका पादुकोण द्रौपदी का रोल कर रही है और अजय देवगन दुर्योधन का रोल करेंगे, और रणवीर सिंह सहदेव का किरदार करेंगे और रेखा कुंती का करेंगे, और गुलशन कुमार अजय शकुनी नजर आने वाले, अभिषेक बच्चन दुशासन का रोल करेंगे और कमल हसन शांतनु का किरदार करेंगे। देखिए इतने सारे लोग महाभारत जैसी बड़ी फिल्म में रोल करने वाले हैं, तो भाई फिल्म का बजट बहुत बड़ी होगी। और कुछ क्रिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक महाभारत 1500 से 2000 करोड़ की बजट बनने वाली है। देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले राजामौली से पूछा गया कि आप महाभारत जैसी बड़ी इपिक फिल्म सच में बना रहे हैं, तब उनका कहना है महाभारत इन माई ऑन वे, महाभारत स्टोरी सेम बट कैरेक्टर विल बी इनहेंस्ड, यानी कि फिल्म वही रहेगी, फिल्म के किरदारों में कुछ हेरा फेरी करना है। और देखिए असल में राजामौली इंतजार कर रहे थे ट्रिपल आर के रिलीज होने का, क्योंकि वो देखना चाहते थे ऑडियंस का रामचरण और एनटीआर पर रिस्पांस कैसा रहता है। अगर रिस्पांस अच्छा रहता तो महाभारत में रामचरण और एनटीआर को जरूर ऐड कर लेंगे। और देखिए जितने भी लोग पहले कह रहे थे भैया राजामौली आलिया भट्ट के कंट्रोवर्सी कारण बॉलीवुड से गुस्सा हो गए, इसलिए कास्ट में चेंज कर रहे, बॉलीवुड को निकाल फेंक देंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजामौली ने कास्ट चेंज करने वाली बात ट्रिपल आर के रिलीज होने से पहले ही कही थी, और आलिया भट्ट राजामौली कंट्रोवर्सी ट्रिपल आर के रिलीज होने के बाद हुआ था। और इन दोनों को छोटी सी खबरें आ रही कि महाभारत में राजामौली ने इन कर लिया एनटीआर और रामचरण को, आपको अर्जुन का किरदार करते हुए फरहान अख्तर नहीं बल्कि रामचरण दिखने वाले, और अपने एनटीआर क्रिस भगवान का रोल कर रहे, और हाँ आमिर खान रिप्लेस हो चुके, ये बात कंफर्म हो गई है। बाकी दोस्तों हमने महाभारत तो कई बार देखी है, किताबों में पढ़ी है, छोटी पर्दों पर भी देखी है, और जब भी आती है महाभारत लोगों का दिल जीत लेती है, लेकिन अभी तक बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर ने सामर्थ नहीं की महाभारत को बड़े पर्दे पर रिलीज कर दे, मगर अपने राजामौली इस नामुमकिन चीज को पॉसिबल करने वाले, और राजामौली से कोई ऐसा डायरेक्टर ही नहीं जो अपने इंडियन कल्चर को इतना अच्छे से दिखा सके। आप तो बाहुबली का सीक्वल और ट्रिपल आर में देख लिया होगा राजामौली का डायरेक्शन, केवल वही बड़े पर्दे पर ला सकते। और रही बात बॉलीवुड की, तो इनमें औकात नहीं महाभारत बनाने की, अगर बना भी लेंगे तो भाई अपना एजेंडा फिट करने के लिए मूवी खराब कर देंगे। हमें बस उम्मीद है राजामौली से। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, क्या क्रिस भगवान के रोल के लिए आमिर खान को रिप्लेस करके एनटीआर को ऐड करने वाला डिसीजन सही है या गलत, आप कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।